एवरीवन, वेलकम टू श्वेता क्लासेस। वो जो बीपीएससी को लेकर के जो एग्ज़ाम डेट में एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिला है, पता चल ही गया होगा। अब आपका 15 और 16 तारीख को बीपीएससी का तैयारी 3.0 होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए आपको 15 दिन और मिल गए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग ऑफिशियल नोटिस जो भी जारी हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट 15 डेज की आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आपके लिए ये चैलेंजिंग बात ये रहने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो क्या आज आप जो मैं 20 क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ उसमें से 18 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, आप ये मान के चलें। देखिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आप सिलेक्शन के बहुत पास में हैं, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस हैं जिनको वन लीनियर क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, हम आपको फटाफट, कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत तो होती नहीं है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग फटाफट जल्दी 3 से 4 मिनट में अपने इन 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बता के जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नहीं। तो ये बच्चों 20 क्वेश्चन की आपकी एक पूरी PDF है, ठीक है। तो ठीक है, सामान्य ज्ञान बिहार शिक्षक भर्ती, चलिए ऑल द बेस्ट। देखते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो आप लोग फटाफट बताएंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो आप लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंकेट थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में, तो बच्चों बिहार में किया था स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। आपका जो स्वामी विद्यानंद है, इन्होंने कृषकों का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया है 1936 में। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे ऐसे करके, लेकिन पटना के, आप लोग बिहार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बिहार को लेकर के पता होनी चाहिए कि बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर एडवर्ड मैनार्ट डेस जेम्स चेमियर थे। अगर आप लोगों को इतना नाम याद करने में दिक्कत है तो आप लोग एडवर्ड भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सर एडवर्ड। शेर शाह को दफनाया गया था, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की जो एक शाखा थी इसकी स्थापना पटना में किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्रनाथ सन्यालिन ने, सचिंद्रनाथ सन्यालिन ने, ठीक है। मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है, ये आप लोग संविधान तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो मौलिक अधिकारों को किस में परिभाषित किया गया, कौन से भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस में आप लोग बताएंगे आपने 10 में कितने सही किए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में, 1949 में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? फिलहाल तो आपसे यहाँ पे वर्ष पूछा गया है, लेकिन हम आप लोगों से ये पूछते हैं कि उस भारतीय महिला का नाम क्या था जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष को लेकर के ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, पहली महिला कौन थी, पहली फॉरनर महिला कौन थी, पहला फॉरनर आदमी, अंग्रेजी आदमी कौन था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 1925 में बनी थी, ठीक है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो यह है दार्जिलिंग में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो 1992 में, 1949 में, 1992 में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो वो है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। बहुत सारे बच्चों को K2 लगता है कि कंचनजंगा है, बट कंचनजंगा नहीं, ये गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। यरलुंग सांपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांपो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो नाम से किस देश में जाना जाता है? आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस देश में, किस जगह पे, कहाँ पे मतलब इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और अभी हम लोगों ने इसके मुख्य न्यायाधीश देखे थे तो उनका नाम था सर एडवर्ड।
किस बादशाह को कलंदर कहा गया है? तो कलंदर कहा गया है बच्चों, आप लोग को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो बाबर को, ठीक है? आपका बाबर जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर में कर लिए। ऑलराइट, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, साथ ही आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक दिन में 2 वीडियो लेकर के आएंगे, दो तो 5-5 मिनट के वीडियोज़ हैं, 3-3 मिनट के वीडियोज़ बनेंगे जा करके, तो हम लोग आराम से 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे, ठीक है? साथ ही आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।